हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उषा सिद्दीकी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक न्यू डिफरेंट सा हॉल मिशू हॉल। तो इसमें एक कफ्तान है, बाकी कुर्ती और कुर्ती प्लाजो सेट है। तो पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि समर्स के लिए ही पूरा कलेक्शन मैंने इसमें ऐड किया है। और मैंने चिकनकारी कुर्ती बहुत ढेर सारी मंगाई है, तो उसका वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा। एंड साड़ी वगैरह भी मंगाई है, तो उसका वीडियो मैं अलग से, क्योंकि सही रहता है ना। तो ये है पूरा कलेक्शन मेरा, जैसा कि ये कफ्तान है, कुर्ती और कुर्ती प्लाजो सेट है। पूरा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट स्टाइल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हॉल और दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या ऐड किया है। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं। मेरा फर्स्ट ये कफ्तान है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये लाइट पिंक कलर का है और यहाँ पे नेक पे डिजाइन देखिए, कितनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो मिरर वर्क है, तो ये है प्लास्टिक के मिरर हैं। तो यहाँ पे ये 3 साइज में हमने मंगाया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भेज दिया है M साइज। अब देखते हैं इसका ट्राई ऑन हॉल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरा साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, साइज बढ़ गया है, तो इस वजह से मीडियम। अगर ये ट्राई ऑन हॉल नहीं होता तो आपको साइड में आपको इसकी पिक लगा देंगे कि पहनने पे कैसा दिखता है। और स्क्रीन सबके प्राइस तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ये कफ्तान कुछ इस तरह का है और बाकी पूरा प्रिंट है, सिर्फ नेक एरिया पे आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाता है। ये है नेक एरिया पे आपको कितना अच्छा सा मिरर वर्क मिल जा रहा है, और साइड में आपको पूरा नीचे तक गोटा पट्टी मिल जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये टसल्स भी लगे हुए हैं साइड में, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। तो ये है पूरा इस तरह का इसका रेयन मटेरियल है और काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी है। देखिए जैसे फ्रंट पे नेक पे ये डोरी लगी हुई है, तो यहाँ पे इसमें पॉम लगे हुए हैं, टेसल्स लगे हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी मोटी पार्टी में भी आप पहन सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह। और काफी प्राइस के अकॉर्डिंग बताएं क्वालिटी अच्छी है। तो ये रहा पूरा इसका लुक, बहुत प्यारा सा है। और यहाँ पे नीचे में भी आपको ऐसा गोटा पट्टी ऐसा लगा हुआ है, तो बहुत प्यारा सा कुर्ता है। इसके साथ अगर आप पिंक कलर का या मस्टर्ड कलर का पैंट प्लाजो वेयर करते हैं, मस्ट ऑसम लुक लगने वाला, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है मेरा फर्स्ट कफ्तान है, जो बहुत खूबसूरत है और प्यारा सा है। समर्स के लिए ऐसे कफ्तान वगैरह, जानते हैं कहीं घूमने आ रहे हैं, तो ये कफ्तान बहुत अच्छे लगते हैं वियर करने में, और थोड़ा सा अलग स्टाइल लगता है। तो मेरा फर्स्ट ये था कफ्तान। एंड सेकेंड कुर्ती ये है, कुछ इस तरह के कॉटन मटेरियल है, पूरा डिफरेंट पैटर्न है, बहुत अच्छा है। और ये जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है, पूरा थ्रेड वर्क है, ऐसा प्रिंट वगैरह नहीं है, और ये खादी कॉटन में है, बहुत ही प्यारा है। ये देखें, तो ये जो नेक पे आपको एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, ये पूरा धागे से पूरा हैंड वर्क है। और ये देखें, बड़ी सी स्लीव्स है इसमें, शॉर्ट स्लीव्स है, यहां तक आपको स्लीव्स आएंगी। और ये देखें, ये है पूरा नेक पे डिजाइन है इस तरह का, पूरा ये आपको धागे से डिजाइन कढ़ाई मिल रही है, एम्ब्रॉयडरी हाथों की एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ पे देखें, बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े से ये आपको सितारे नहीं होते वो लगे हुए हैं, बाकी पूरा नेक पे आपको अच्छा सा डिजाइन मिल जाता है इस तरह से। इसमें आई थिंक एक कलर और है, मैंने ये कलर मंगाया क्योंकि मुझे बहुत ये कलर अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा गर्मियों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट। और पूरे कुर्ते में इस तरह के फ्लावर, छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं मरून कलर के धागे से, और ये है ग्रीन कलर की लीव्स बनी, तो ये प्रिंट नहीं है, धागे की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये कुर्ता सच बताएं बहुत ऑसम लगने वाला है समर्स के लिए। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या शादी वगैरह में भी, मम्मी लोग पे ये कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सिंपल सोवर से रहते हैं, समर्स में इस तरह के कुर्ते तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी ज्यादा हैवी कुर्ता पहनना नहीं चाहता, हैवी ड्रेस पहनना नहीं चाहता, तो यहाँ पे आपको नीचे पूरे एम्ब्रॉयडरी छोटे छोटे फ्लावर मिल जाएंगे, मरून और पिंक कलर के बने हुए हैं, और नेक पे डिजाइन है, और आपको बैक में आपको राउंड नेक मिलता है, फ्रंट पे थोड़ा सा नेक का कॉलर रैप का डिजाइन दिया गया है ये, और यहाँ पे ये खुलता नहीं है,
हुक वगैरह नहीं दिए हैं, खुलता नहीं है, और बैक है आपका पूरा प्लेन। तो ये है खादी कॉटन का। अगर आपने ये मीशो पे देखा है और परचेज करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो डाउट निकाल दें अपने मन से, दिल से, और इसको परचेज कर लें, क्योंकि बहुत प्यारा कुर्ता है। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, ये मुझे बहुत ही डिफरेंट अलग पैटर्न लगा, तो मुझे ये कुर्ता सच में बहुत अच्छा लगा। व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ या मरून कलर के प्लाजो के साथ ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा। व्हाइट के साथ कम, ये मरून के साथ, क्योंकि ये लाइट कलर है, लाइट के कलर के साथ अगर आप डार्क कलर का पैंट प्लाजो वेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके साथ वेयर करें मरून कलर का प्लाजो, एंड दुपट्टा अगर लेना चाहें तो मरून कलर का दुपट्टा मैचिंग का, बहुत ही ऑसम लुक लगने वाला है। तो मेरा सेकेंड कुर्ता ये था खादी कॉटन का। अब थर्ड कुर्ता दिखा देते हैं, ये भी कुछ ग्रीन कलर का कुर्ता है। तो ये है डार्क ग्रीन कलर का, और ये जो आपको दिख रही है प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी है, धागे की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये कुर्ता भी खादी कॉटन का ही है, बहुत प्यारा कलेक्शन है। आई थिंक इसी ब्रांड का मैंने मंगाया है, हाँ मुझे याद नहीं है, ये इसी ब्रांड का कुर्ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक का डिजाइन, तो पूरे नेक पे ये धागे से पिंक कलर और ये येलो व्हाइट एंड ग्रीन कलर के धागे से पूरी नेक पे आपको डिजाइन मिल जाती है। और इसकी भी शॉर्ट स्लीव है, 1/4 स्लीव नहीं है, आपको यहां तक ही आएंगी स्लीव्स आएंगी। और राउंड नेक है, बैक एंड फ्रंट दोनों राउंड नेक है। और इसके कुर्ते में भी आपको छोटे छोटे ये व्हाइट पिंक कलर के फ्लावर बने हुए हैं जो धागे से एम्ब्रॉयडरी है, और इसी तरह के पूरे नीचे तक आपको ऐसा छोटा छोटा धागा। तो ये जो कुर्ते मैंने परचेज किए हैं, सच बताएं इनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आजकल जैसे पहले टाइम में मम्मी टाइम पे चलती थी ये हाथ की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी जो धागे से बनती थी, अब इस टाइम हम लोग के टाइम थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन आजकल ये फिर से ट्रेंड में आ रही है। तो जैसे कोलकाता सिल्क वगैरह की कुर्तियां भी आप लेंगे तो उसमें भी आजकल हाथ से एम्ब्रॉयडरी का ही आ रहा है, बहुत ज्यादा से ट्रेंड में ये कुर्ती, ये कढ़ाई फिर से आपको मिलने वाली है। तो ये है बैग, पूरा प्लेन है और डार्क कलर का है। इसमें आप लाइट पिंक कलर का या फिर लाइट ग्रीन कलर का प्लाजो पैंट या लेगिंग के साथ वेयर करेंगे, अगर व्हाइट भी रहेगा तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। व्हाइट लेगिंग या व्हाइट प्लाजो के साथ ये कुर्ती बहुत ऑसम लगने वाली है। तो ये रहा मेरा थर्ड कुर्ता, ये बहुत ज्यादा प्यारा है, ब्यूटीफुल है, और क्लोथ मटेरियल बहुत ही ऑसम है प्राइस के अकॉर्डिंग। चलिए अब देख नेक्स्ट दिखा देते हैं। तो सच बता मेरे इस बार इतने ज्यादा ग्रीन कलर के कुर्ते हो गए, और इस बार भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने इस हॉल में मैंने तीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते मैंने ऐड कर दिए। तो चलिए कोई नहीं, अब ऐड कर दिए हैं तो दिखाना तो पड़ता है। तो ये भी मेरा डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता है, और इस पे ये जो प्रिंट है ये फॉयल प्रिंट है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, और इसका कपड़ा है शिफॉन का, शिफॉन का नहीं रेयॉन का मटेरियल है, शिफॉन के तो दुपट्टे आते हैं सॉरी। तो ये इस तरह की स्लीव्स है, 1/4 स्लीव्स है, और यहाँ पे ये गोल्डन कलर का गोटा पट्टी मिल जाता है, और नेक आपको बैक एंड फ्रंट दोनों आपको राउंड नेक मिलता है, और बाकी आपको पूरे कुर्ते में इस तरह का प्रिंट मिल जा रहा है। ये है नेक पे पूरा अच्छा सा गोल्डन कलर का प्रिंट है पूरा बहुत, और नीचे भी आपको इसी तरह से पूरी नीचे तक आया है डिजाइन ये। तो फ्रंट पे पूरा इस तरह का फॉयल प्रिंट है, और बैक है इस तरह का प्लेन। तो ये भी जो है कुर्ती बहुत अच्छी है, बहुत काफी लाइट वेट कपड़ा है, सॉफ्ट है, तो समर्स के लिए ये कुर्ती भी बेस्ट है। तो इसको भी आप जीन्स प्लाजो को लेगिंग जिसके साथ आप वेयर करना चाहें उसके साथ आप वेयर करें और अपना स्टाइल बनाएं। तो ये है डार्क ग्रीन कलर की इस तरह की कुर्ती। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं अपनी कुर्ती। तो इसमें भी डार्क ग्रीन कलर का है ये कुर्ता, मुझे सच में मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने काफी ढेर सारे ऑर्डर प्लेस किए थे एक साथ, तो उसमें थोड़ा सा ये कलर भी अच्छा लग रहा है, डार्क ग्रीन कलर का है क्योंकि तीसरा कुर्ता ये ग्रीन कलर का है, तो इसमें भी काफी अच्छा ये देखें इस तरह का कुर्ता है। और ये है आपको नेक
पे आपको इस तरह की ये है धागे की एम्ब्रॉयडरी है, पूरा रेड एंड ऑरेंज कलर और ये हल्का येलो कलर का आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जा रही है इस तरह से पूरे नेक डिजाइन पे। और आप बैक एंड फ्रंट पूरा राउंड नेक है और यहाँ पे 1/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, यहीं पे एम्ब्रॉयडरी है धागे की, बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। और बाकी जो ये आपको दिख रहा है ये फॉयल प्रिंट है, तो इतनी जल्दी ये प्रिंट जैसे जाता नहीं है वॉश करने पे, ऐसा खराब नहीं होता कुर्ता, तो ये शॉर्ट कुर्ता है, काफी अच्छा है। और आपको देखें इसे साइड में भी आपको पूरे एम्ब्रॉयडरी की कढ़ाई मिल जाती है पूरे राउंड में आपको, ये नीचे एंड ये है बैक, सॉरी बैक नहीं मतलब साइड में आपको पूरा ये शॉर्ट कुर्ता है, तो इस तरह की आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। अब बाकी पूरे कुर्ते में डॉट 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 करके पूरा फॉयल प्रिंट है और बैक में भी आपको सेम वही मिल जाता है। तो ये है मेरा थर्ड ग्रीन कुर्ता, तो इसमें भी आई थिंक कलर है, अगर आप ये ग्रीन कलर नहीं चाहते हैं तो आप दूसरा कोई कलर चूज कर सकते हैं, और क्योंकि मुझे तो कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने ढेर सारे ऑर्डर प्लेस किए थे तो इसलिए मेरे तीन ग्रीन कलर के कुर्ते हो गए। आप ऐसा नहीं, आप तो ये सिंगल ही मंगाएंगे, तो ये है ग्रीन कलर का कुर्ता, तो ये मेरा फोर्थ कुर्ता है। इसके बाद मैंने दो प्लाजो कुर्ता सेट ऑर्डर मतलब प्लेस किए हैं इसमें, तो ये है कुछ इस तरह का ब्लू कलर का प्लाजो एंड कुर्ती जो बहुत ही ज्यादा प्यारा और ऑसम है, ये है इस तरह का, तो ये है कॉटन मटेरियल में दोनों आए हैं, तो ये है डार्क कलर का, डार्क ब्लू कलर का कुर्ती और यहाँ पे छोटा सा एक नेक पे बटन दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा डिजाइन दिया हुआ है राउंड राउंड। बाकी पूरा कुर्ता आपको बैक एंड फ्रंट राउंड नेक है और इसकी भी शॉर्ट स्लीव्स हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, तो ये है पूरा इस तरह का प्रिंट। यहाँ पूरा प्लेन कुर्ता, बस यही प्रिंट है, मतलब वो फॉयल प्रिंट नहीं है, प्रिंट है, ये निकलने वाला नहीं है। तो ये है पूरा कॉटन का कुर्ता एंड बैक में भी सेम आपको डिजाइन, लीव्स की डिजाइन बनी हुई है पूरे कुर्ते पे। तो ये कुर्ता सच बताएं मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच बताएं इस गर्मी में ये कुर्ता और ये प्लाजो बहुत औसम लगने वाला है, बहुत अच्छा लगना, काफी इसका कपड़ा भी काफी अच्छा है और सॉफ्ट है, एकदम हल्का कपड़ा है, ऐसा मोटा नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं लगने वाली है। तो ये कुर्ता भी इसके साथ मैचिंग में प्लाजो आया है, ये लाइनिंग व्हाइट एंड ब्लू लाइनिंग है प्लाजो पे, तो ये भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझे। ये देखें प्लाजो में फुल इलास्टिक है एंड बैक एंड फ्रंट इलास्टिक है, और आपको ये ढीला ढीला चौड़ा चौड़ा सा प्लाजो मिल जाता है, तो काफी अच्छा प्लाजो का कपड़ा भी, ये भी कॉटन मटेरियल है प्लाजो का एंड कुर्ते का, तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ये कह सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा पूरा सेट है कुर्ता एंड प्लाजो, एंड नेक्स्ट मेरा लास्ट है ये भी कुर्ता एंड प्लाजो सेट है जो बहुत प्यारा लग रहा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट कलर है और इसके साथ प्यारा सा चिकन का प्लाजो मिल जाता है जो बहुत ही औसम है, ये देखें काफी अच्छा है, अगर आपकी हेल्थ भी थोड़ी ज्यादा है तो काफी चौड़ा वाला प्लाजो यहाँ पे मिल जाता है और पूरा चिकन का प्लाजो है, तो आई थिंक मुझे लगा इसके इस प्राइस में ये कुर्ता और ये प्लाजो बिल्कुल सही है, काफी अच्छा प्राइस है। तो ये है इस तरह का व्हाइट कलर का प्लाजो और पूरे धागे से चिकन की एम्ब्रॉयडरी है पूरे प्लाजो में, आपको नीचे देखे कितना अच्छा सा डिजाइन बना हुआ है, तो ये है व्हाइट कलर का प्लाजो है और इसके साथ आपको कॉटन की ग्रीन कलर की एकदम लाइट ग्रे और ग्रीन कलर के फ्लावर बने हुए हैं, तो ये है कुर्ती। यहाँ पे बस थोड़ा सा लेस की डिटेलिंग दी हुई है नेक पे, ये है गोल्डन कलर की लेस इस तरह से, और ये है आगे फ्रंट पे ऐसा लेस का डिजाइन बना है, देख सकते हैं बहुत प्यारा सिंपल सोवर सा कुर्ता है, पूरा नीचे तक आपको पूरा फ्लेयर में अच्छे से मिल जाता है, ये देखें काफी अच्छा, थोड़ा सा फ्रॉक लुक में है ये और इस तरह की है 1/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स में देखें कितना अच्छा पैटर्न दिया हुआ है, तो पाइपिंग चौड़ी पाइपिंग दिया और यहाँ पे ये गोल्डन कलर का ये गोटा पट्टी से डिजाइन दिया हुआ है, तो काफी अच्छा कलर पूरा मतलब कॉटन मटेरियल है, काफी अच्छा है और यहाँ पे ये कली दी हुई है, जैसा कि बहुत ज्यादा जैसे थोड़े से हेल्दी भी है, बहुत अच्छा लगे, और अभी जैसे मुझे तो इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लूज लूज और काफी, अब जैसे हॉस्पिटल वगैरह दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को या कहीं घूमने जा रहे हैं
तो ये कपड़े इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, काफी सही लगते हैं। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। इसमें भी आई थिंक 3-4 कलर हैं। अगर आप ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा कलर कोई ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये लाइट कलर ही अच्छा लग रहा था। तो ये रहा मेरा मीशो प्यारा सा छोटा सा कुर्ता कुर्ती प्लाजो सेट। और कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आगे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।